कतई साले ने खून पी लिया। कौन था ये मनुष्य? अरे ठलवा साला, काम धाम है नहीं, करी मुँह मारता फिर। अच्छा तेरे तो बड़े पेपर मिल चल रहे, तू भी तो ठलवाई। अरे मेरी माँ मर गई आज तो। बस ठीक, कहाँ मर गई? मेरा बाप आ रहा वो देख। इब क्या होगा? होता क्या, अब तो दोनों खाल उतरेगी। अरे तू एक काम कर, घूंघट कर और चुपचाप निकल ले, जल्दी कर। अरे जल्दी जल्दी कर लिए। ले यहाँ क्या कर रहा? बस वैसे ही घूम रहा। ये लौंडी कौन थी जो यहाँ तक गई? अजी बात, हमारी रिश्तेदार थी। बेटे ये बाड़ा धूमन हुई सुफेद नहीं हुई है, मुझे पता कौन से रिश्तेदार है। तेरी गर्लफ्रेंड थी ना? अरे तू टेंशन ना ले, मनी किसी को बताने का। अगर तेरे जैसे जवान लौंडे की गर्लफ्रेंड नहीं होने की तो क्या हमारे जैसे बुड्ढों की होगी? चाचा तुम तो बड़े सही इंसान हो, वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड बनी नहीं, कोशिश चल रही इसे पटाने की। अरे तू टेंशन ना ले, लौंडे की कर सेट करा, मैं बताऊंगा तुझे, चला मेरे घर बैठेंगे। सच्ची? और चलो फिर। बस चाचा कुछ ऐसा आइडिया दे जिस तो वह लौंडी एकदम हाँ कर दे। आइडिया वोडाफोन एयरटेल सब दूंगा, लौंडी पटाना ना एक आर्ट है, कला है कला। अच्छा जी। हाँ और लड़की को अच्छे अच्छे गिफ्ट दे ताकि उसे नू लगा अग भाई लड़का जो उस पर पैसे खर्च कर रहा और दिन रात उसकी तारीफ कर, तारीफ ही तारीफ। अच्छा जी, लेकिन चाचा जी अगर उनके घर वालों को पता लग गया, मैंने सुना के मार तो मार दो सुअर भर दे। यार लैला के चक्कर में मजनू ने अपनी जान दे दी थी, तू दो चार हड्डी नहीं तुड़वा सकता। और जब तू लड़की को गिफ्ट देगा तो उसके घर वालों को भी कुछ गिफ्ट दे दिए। लेकिन चाचा उसका बाप ना बहुत बड़ा सुअर है, अगर वह घर कुछ सामान ले गई ना तो उसका बाप पूछेगा वो कहाँ था आया। अरे उसका भी इलाज है। अरे जब लड़की को गिफ्ट देगा तो उसके बाप के लिए भी कुछ दे दिए, और जब उसका बाप पूछेगा ना कहाँ तलाई तो लड़की बोल देगी अग मैंने गुल्लक में पैसे जमा कर रखे थे, उसमें तो पैसे काटे और अपने लिए भी लाई गिफ्ट और थारे लिए भी लाई, और बाप उसका एकदम खुश। लेकिन यू पता कर उसके बाप भाई को क्या पसंद है? अरे वह तो केली अपने बाप का, उसका नहीं भाई बुई है। बोलो तो और भी अच्छा। वैसे चाचा तुम कमजोर हो रहे, कुछ फल फूल खाया करो। तो भाई रोज तो खाऊ मैं एक किलो अंगूर। अच्छा आज का मतलब तुम अंगूर पसंद है? देख अंगूर मुझे बहुत पसंद है भाई। अच्छा जी, लेकिन चाचा एक बात है, उनने लौंडी ने भी अपना नंबर नहीं दिया मुझे। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, उनके घर जा किसी बहाने था और उनके घर का नंबर ले ले और कह दिए मेरे माँ बाप को कुछ बात करनी था रे। था क्या सोच रहा? अरे चाचा कुछ नहीं, वो मनु कह रहा अपना फोन नंबर दे दो, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो पूछ लूंगा फोन करके था रे। था भाई मेरे पता देख फोन है नहीं, तू एक काम कर घर का नंबर ले जा मारे। हाँ दे दो। ए धन्नो, ए धन्नो, ए धन्नो। हाँ जी। इसे टीटले को अपना नंबर दे दे, अरे जिब भी फोन कर इस तो मेरी बात करवा दिए। ला अपना फोन दे। ठीक है चाचा मैं जा रहा। ठीक है ठीक है, चल काम कर ले अपना कुछ। हेलो कौन? इतनी जल्दी भूल गई, इभी तो खुद ने नंबर दिया। अच्छा वैसे तो बहुत तेज है तू, ऐसा क्या करा तूने जो अब्बा के साथ घर भी आ गया और मेरा नंबर भी ले लिया? तेरे बाप का टाइम खराब चल रहा, खुद ही अपने पैरों पर कुहाड़ी मार रहा। क्या मतलब? वो बाद में समझाऊंगा, तू एक काम कर जल्दी तो मिल मुझे आके भी। मैं नहीं आ रही। अरे जल्दी आ, तेरे लिए गिफ्ट है। 5 मिनट इंतजार कर, बस 10 मिनट में आ रही। ठीक है। बक कहाँ रह गया, 10 मिनट कहकर 1 घंटा हो गया खड़ा कर रखा। और देर मत्ती, आने में टाइम तो लगा ही, बापू गोली दे खाना पड़ा। क्यों बुखार हो रहा बापू को? अरे मेरा मतलब झूठ बोल के आई। अच्छा यो तेरे लियो और यो तेरे बाप के लियो। क्या सोच रही तू बीजा? सोच रही ना घर कैसे लेके जाऊं। अरे वो बता रहा, अगर तेरा बाप पूछने लगा ना कहाँ था तो उन्होंने कह दिए अब्बा जी मैंने पैसे इकट्ठे करे थे और उन तक थारे लियो खरीद कर लाई। चल ठीक है, मैं घर जाकर बात करूंगी। ठीक है।
चाचा सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आजा बैठ जा। लो चाचा। क्या ये थारे फेवरेट अंगूर है? अरे इसकी क्या जबरदस्ती। अरे तुम बता, तेरी बात कुछ आगे बढ़ी है नहीं? बस चाचा, थारी दुआ तो होएगा काम। वैसे चाचा क्या बात, नए कपड़ों माल तो कहीं जा रहे क्या? ना ना, वो तो मेरी लड़की ले आई मेरे लिए, बेचारी ने 10-10 रुपए जोड़े उनके खरीद के लाई। अच्छा जी। अब्बा मुझे बुलाया। क्यों, तूने कौन सा अपने नाम का ऐलान सुन लिया जो भाग्य आ रही? मैं तो नहीं बुलाई। अरे चाचा कोई बात नहीं, जी आएगी तो बैठ जाएगी हमारे धोरे। चल तू खैर यहाँ बैठ, मैं तेरा भैंसों को घास घेर रहा हूँ। ठीक है जी। क्या बात, मेरे बाप को पूरा सेट कर लिया तूने? हाँ बस, लेकिन तू ही नहीं मान रही। अरे मानगी मैं तो, जब तूने मेरे बाप को पटा लिया तो मैं भी पटगी। सच्ची मुच्ची। ले भाई, इसका टीट लेगा काम तो होएगा। लेकिन यार एक मिनट, मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही। मैंने इस आइडिया दिया गिफ्ट देने का, और मेरी लौंडी अगले दिन मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएगी, और फिर मैंने इसे बताया मुझे अंगूर पसंद है, जो मेरे लिए सारा अंगूर लेकर आएगा अगले दिन, और तो मैंने अपने घर का नंबर भी तो खुद दे दिया। सर ये तो मेरी घर की कहानी चल रही है। वैसा तो नहीं, मैंने अपनी कुलाड़ी तो अपने ही पैर काट लियो। थोड़ी बहन को मैं अच्छा साले, मेरे आइडिये था, मेरे घर में डाका डालना जा रहा। अब्बा जी मेरी बात सुनो, तुम गुस्सा ना करो। गुस्सा ना करो साले, आज नहीं बचने का तू। अब्बा जी एक बार सुन तो लो इसकी बात। अजी अब्बा जी, थारी लड़की की शादी के लायक होएगी, हर इसकी शादी तुम करनी ही, मेरे तय कर दो, हर गांव के गांव में रहेगी, आने जाने की टेंशन नहीं रहने की। अच्छा साले बेरोजगार, तेरे पल्ले है क्या? चाचा मेरे पल्ले कुछ ना हो, लेकिन मैं ना धन्नो ते सच्चा प्यार करूं, मारा प्यार ना लैला मजनू वाला। अजी क्या सोच रहे? मैं सोच रहा मजनू ने लैला के चक्कर में जान दी थी, तेरे पहला हाथ तोड़ू या पैर, इतना हक तो तेरा भी बना।